दोस्तों आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल फिगर्स फॉर द वुमेन इन साइंस। वो पहली ऐसी लेडी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। वो पहली ऐसी लेडी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ से दो बार नवाजा गया था, एक बार फिजिक्स के अंदर और एक केमिस्ट्री के अंदर। वो पहली ऐसी लेडी हैं जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के अंदर एज अ फीमेल प्रोफेसर रिक्रूट किया गया था, क्योंकि इससे पहले हमेशा मेल प्रोफेसर्स को ही जगह मिलती थी। वो पहली ऐसी लेडी हैं जिनको सॉल्वे कॉन्फ्रेंस जो 1911 में हुई थी और जिसके अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन और रदरफोर्ड जैसे बड़े बड़े बिग शॉट आए थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे, उनके साथ में उनको इन्विटेशन दिया गया था। वो पहली ऐसी लेडी हैं जिनको पैंथियन करके जो जगह है जहाँ पर जो फेमस लोग हैं उन्हीं की ही वहाँ पर टॉम बनाया जाता है, तो वहाँ पर उनका जो है बेस्ड ऑन हर ओन मेरिट्स वहाँ पर उनका टोम बना रखा है इन द पेरिस। तो उन लेडी का नाम है डॉक्टर मैरी क्यूरी। तो क्या किया था डॉक्टर मैरी क्यूरी ने अपने ऐसी लाइफ में जिसकी वजह से उनको इतना कुछ सम्मान मिला, इतना कुछ उनको रिकॉग्निशन मिला, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो 1895 में क्या था कि जो रोंटजेन थे उन्होंने एक्सरेस की डिस्कवरी की थी। एट द सेम टाइम जो है बेकुरल थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी कि यूरेनियम जो है वो अपने लेवल पे ही कुछ रेडिएशन को इमिट कर रहा है, छोड़ रहा है। तो उनको समझ में जो है ना एक अट्रैक्शन हो गया, एक ध्यान उनका चला गया कि ऐसा क्या है यूरेनियम के अंदर, इस एटम के अंदर, जिसकी वजह से खुद रेडिएशंस निकल रही है। और उन्होंने बेसिकली बाद में आगे चल के उसी को रेडियो एक्टिविटी भी बोला, यानी कि एक ऐसा एटम जिसके अंदर रेडिएशन निकल रहे और वो एक तरह से एक्टिव फॉर्म में है, तो दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी। इस फिनोमिनन को रेडियो एक्टिविटी बोला। तो उनका ध्यान वहाँ पे गया और उन्होंने जो है आगे जाके एक पिच ब्लेंड करके एक ओर है, एक तरह का मिनरल है, उसको उन्होंने उठाया, यूरेनियम मिनरल है, और उनको स्टडी करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्या है इस पिच ब्लेंड के अंदर जिसकी वजह से ये यूरेनियम से भी ज़्यादा जो है इंटेंसिटी का जो है रेडिएशन दे रहा है। तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ और ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जिसकी वजह से इसमें काफ़ी तेज यूरेनियम से भी ज़्यादा इंटेंसिटी आ रही है। एंड फाइनली जो है ये इस तरह का इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रही थी, तो साथ के साथ जो उनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, उन्होंने भी जो है साथ दिया, और जो उन्होंने अपना काम छोड़ के इनका साथ देने लगे। और बाद में इन्होंने डिस्कवरीज की कि उसके अंदर दो एलिमेंट्स पाए गए जो कि रेडियो एक्टिव थे, जैसे कि पहला जो था उन्होंने फिगर आउट किया दैट इज़ पोलोनियम, वो क्योंकि पोलैंड से बिलोंग करते थे तो इस वजह से उन पोलोनियम नाम रखा। एंड एट द सेम टाइम जो दूसरा था उसका रेडियम नाम रखा। तो ये उनकी जो है उन्होंने फाइनली डिस्कवरी की पियरे क्यूरी एंड मैरी क्यूरी दोनों ने, और उसकी वजह से जो है 1903 के अंदर उनको ये रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना पे डिस्कवरी करने के लिए बेकुरल के साथ में जो है पियरे क्यूरी एंड मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ से फिजिक्स के अंदर नवाजा गया। तो जब 1903 में नोबेल प्राइज़ मिलने वाला था तब भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई कि वहाँ पे जो है उस समय बहुत ही ये जो साइंस फील्ड थी वो बहुत ही मेल डोमिनेंट फील्ड थी, तो वहाँ पे लोग एक्नोलेज नहीं कर रहे थे कि एक फीमेल जो है वो भी इतनी अच्छी और ओरिजिनल साइंस कर सकती है। एंड पीपल वर रियली रिलक्टेंट टू अवार्ड हर नोबेल प्राइज़। लेकिन वो क्योंकि बाद में पियरे क्यूरी जो उनके हस्बैंड थे वो बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, ये जो डिस्कवरी है, जो आइडिया है, वो बेसिकली मैरी क्यूरी का ही है और ये बहुत ही इनजस्टिस होगा उनको नहीं दिया जाए तो। एंड तब उनके प्रयासों से, उनकी एफर्ट से जो है उनके वाइफ को भी जो है मैरी क्यूरी को मिला, और उनको ओरिजिनली उनको कंट्रीब्यूट करने का जो है अवार्ड मिला। जब उनको ये अवार्ड मिला तो उसके बाद में आप ये देखिए कि तब उसके बाद में अभी तक तो क्योंकि लोग उनकी रिसर्च पे जो है बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते थे, तो कोई उनको फंडिंग वगैरह भी नहीं दे रहा था। वो जैसे तैसे काम चलाती थी, अपने खुद के अपने लेवल पे काम करती थी और सब कुछ खुद ही देखती थी। जब फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ की मनी आई जब 1903 में, तब उन्होंने एक जाके कहीं लैब असिस्टेंट रखा और कुछ जो है सामान वगैरह मंगाया, रिसर्च कोलेब्रेशन और ये सब किया। तो आप ये देखो कि सारा काम बहुत टफ था उनके लिए, स्पेशली जब लोग उनके अगेंस्ट से, लोग नहीं बोल रहे थे कि भाई लेडी तो कुछ कर नहीं सकती है साइंस के अंदर, बट शी वाज स्टिल परसिस्टेंट और उन्होंने इतनी ओरिजिनल डिस्कवरी की। और इवन 1906 में ऐसा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जो है उनके हस्बैंड जो पियरे क्यूरी है उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद भी जो है ऐसा नहीं कि उनके जो मैरी क्यूरी के हौसले थे वो बिल्कुल दब गए या उन्होंने सोचा कि अब मतलब कुछ नहीं बचा। उनके पास फैमिली प्रेशर भी था, उनके दो बच्चे भी थे, लेकिन उनको भी सपोर्ट करना था, पर ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने गिव अप कर दिया। उन्होंने फिर भी कंटिन्यू किया रिसर्च को बिकॉज शी वॉज रियली पैशनेट फॉर दैट। और उन्होंने करते करते, कंटिन्यू करते करते इवेंचुअली उन्होंने जो हार्ड टू प्योरीफाई सब्सटेंसेस थे, जो कि पहले ही उन्होंने रेडियम एंड पोलोनियम जो उन्होंने डिस्कवरी की थी, तो मेनली रेडियम को उन्होंने प्योरीफाई किया और एकदम प्योर फॉर्म के अंदर वो लेके आए, एंड विच वॉज रियली हार्ड टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
तो वो सब उन्होंने किया और उसको देखते हुए लोगों ने धीरे धीरे रिकग्नाइज करना स्टार्ट किया। क्योंकि इससे पहले तो ऐसा होता था कि जब पियरे क्यूरी थे तो उनको अगर मान लो कहीं पे टॉक भी देना है, कहीं कॉन्फ्रेंस में जाना है, किसी को बताना भी है, तो किसी भी टॉक के अंदर उनको इन्विटेशन ही नहीं आता था, हमेशा पियरे क्यूरी को आता था। क्योंकि लोगों को यही लगता था कि यार ये तो इसने कुछ ओरिजिनल रिसर्च किया नहीं होगा, जस्ट इसे ऐसे ही नोबेल प्राइज़ मिल गया है। लेकिन जब 1911 के अंदर वापस से जब उन्होंने इंडिपेंडेंटली, क्योंकि अब तो हस्बैंड थे नहीं, तो इंडिपेंडेंटली जब उन्होंने वापस प्योरीफाई किया वो जो है रेडियम को, और पहले भी वो पोलोनियम को तो कर ही चुके थे, तो तब उनको 1911 में फिर से एक बार जो है नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री के अंदर। तो लोग एकदम मतलब विद रेस्पेक्ट देखने लगे, धीरे धीरे लोगों का जो है फेथ उस लेडी में आने लगा। और 1911 के अंदर जो पहली एक बहुत बड़ी उस समय की कॉन्फ्रेंस मानी जाती है, सॉल्वे कॉन्फ्रेंस, जिसमें बहुत बड़े बड़े बिग शॉट, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे, उसके अंदर वो ओनली लेडी थी जिसको मतलब इन्विटेशन दिया गया था उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। एंड उसके बाद में भी जो है उन्होंने अपना काम रोका नहीं, उनको जो पैसे मिले थे वो जब आगे वर्ल्ड वॉर आया तो उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कुछ भले के लिए। जब वहाँ पे उनको, क्योंकि एक्सरे की जो है काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उन्होंने उस एक्सरे के पैसे, जो एक छोटी कोई एक्सरे मशीन बनाई, जिसकी वजह से जो वुंडेड जो भी आते थे पेशेंट वगैरह आते थे, उनका वो इलाज बेहतर तरीके से कर सकें। तो इससे भी बहुत लोगों की जान बची और वो उन सब कामों के अंदर इन्वॉल्व रही। उन्होंने जो भी पैसा मिला, जो भी नेम मिला, फेम मिला, कभी भी उसको बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं किया, कभी भी वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही। लोग उनको पैसे देने आते भी थे तो वो कह देती थी कि भाई मेरे को पैसे मत दो, मेरे को किसी भी तरह से सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको जो देना है मेरे इंस्टीट्यूट को दे दो। तो शी वॉज नेवर द वन जो कि फेम के लिए पागल थी या पैसों के लिए पागल थी कि भाई मेरे को चाहिए ही चाहिए, या शी वॉज रियली लुकिंग अराउंड। और जो भी उनको कहीं से ऑफ़र आता था, कहीं अच्छे से लुक्रेटिव ऑफ़र भी आता था, तो शी यूज़ टू रिफ्यूज़ इट सिंपली, एंड शी यूज़ टू फोकस ऑन हर ऑनगोइंग स्टडीज़ ओनली, ऑन हर रिसर्च ओनली। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिपोर्टेडली एक बार ऐसा कहा था कि शी इज़ द ओनली लेडी जिसको फेम भी मिल जाए लेकिन फिर भी वो करप्ट नहीं कर सकता कोई उन्हें, तो वो इतनी कैरेक्टर की मतलब स्ट्रॉन्ग लेडी है। तो इस तरह से जो है उनका काफ़ी रिसर्च चलता रहा, उन्होंने काफ़ी काम की उसके बाद भी। उन्होंने ये भी बताया कि जो एक्स जो आपका ये जो रेडियम और पोलोनियम और ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, किस तरह से उनको कैंसर के ट्रीटमेंट में भी जो है हेल्प मिल सकती है। इस तरह से ऑनगोइंग उनकी रिसर्च चलती रही और उनकी जो बेटी हैं उनको भी इवेंचुअली बाद में जो है नोबेल प्राइज़ मिला है। एंड क्योंकि वो पूरा काम उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के साथ किया था और उनको इस बात का पता नहीं था कि इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, वो अपनी जो टेस्ट ट्यूब वगैरह होती थी वो अपने लैब कोट और इसमें ही लेके घूमती थी, तो इस वजह से इवेंचुअली वो रेडिएशन इमिट कर रहे थे, विच वॉज नेवर नेवर रियली गुड फॉर हर हेल्थ। और उसकी वजह से जो है इवेंचुअली वो एनीमिया हुआ और उनकी जो है फाइनली इस वजह से डेथ हो गई। एंड डेथ होने के बाद में लोगों ने और भी बहुत सारे ट्रिब्यूट दिए हैं, जैसे बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं, अब भी लोग बना रहे हैं, इतने इंटरेस्टेड हैं। बहुत उसके बाद में स्टेचू भी बन रखा है उनके नाम का, इंस्टीट्यूट जो है वो बन रखा है, फेलोशिप जो है वो बन रखी है उनके ऑनर के अंदर, जिससे बहुत सारे लोग आज भी जो साइंस एंथुजियास्ट है वो जाके बहुत सारी अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, और आपसे फिर मुलाकात होगी। जय विज्ञान।